हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। माय नेम इज पूजा दक्ष एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एज वेल एज अ डिजिटल मार्केटर। आज की वीडियो होने वाली है कि क्यों लोग फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन जाते हैं, बट वो काफी टाइम तक असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहते हैं, वो इस लेवल के आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम यही देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि लोग फॉरएवर में एएस ही रह जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप फॉरएवर के वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट पूछना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। बात करें इस टॉपिक पे कि क्यों लोग फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रह जाते हैं, तो इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। फॉरएवर में काफी सारी टीम्स काम करती हैं और आप किसी भी टीम के साथ जुड़ के इस बिजनेस को समझते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो टीम कैसे आपको इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में समझाती है, वो सबसे बड़ा एक कारण होता है। क्योंकि काफी सारी टीम्स आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन कराने से पहले काफी सारी ट्रेनिंग्स देती हैं, काफी सारे सेशंस देती हैं, मोटिवेशन देती हैं कि कैसे आप बिजनेस ग्रो करोगे। हमने 2CC किया, आप भी 2CC करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनके इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे। तो आपको वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। सिर्फ आपको मोटिवेशन दी जाती है असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले, ताकि आप इस लेवल को क्रैक करने के लिए जल्दी से जल्दी इंस्पायर हो। सबसे पहला कारण यही होता है कि लोगों को मोटिवेशन दिया जाता है, गाड़ियां दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े चेक्स दिखाए जाते हैं ताकि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्रैक करें। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें तो वो होता है कि आपने किसी ऐसी टीम को ज्वाइन किया, किसी ऐसे पर्सन को ज्वाइन किया जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में तो समझाया, बट उसने कैसे आपको बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे आपको अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाना है, कैसे अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से बड़ा करना है, वो आपको नहीं बताया गया। आपकी टीम ने, आपके अप्लाई ने आपको कोई भी सपोर्ट नहीं किया। आपने जल्दी में मोटिवेशन ले लेकर 2CC तो कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन गए, बट कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे काम करना है, कुछ पता नहीं है। टीम का कोई भी सपोर्ट नहीं होता तो लोग मोटिवेशन में आकर AS तो बन जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन तो जाते हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाते। वो AS लेवल पे रह के इस बिजनेस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। जो लोग पहले काम कर रहे थे वही काम में दोबारा चले जाते हैं। वो असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन जाते हैं बट उन्हें ना तो कोई इनकम आती है, ना ही उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है। थर्ड मेन रीजन ये है, अगर हम बात करें आपकी टीम की, आपके अप्लाइंग की, तो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम का रोल, अप्लाइंग का रोल सबसे बड़ा होता है। उन्होंने आपको ऐसा कोई भी रोड मैप नहीं दिया, कोई भी नॉलेज, ऐसा कोई भी रोड मैप, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं दिया जिसके थ्रू आप उनके जैसे बन पाओ या उनके जैसे काम कर पाओ, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है आपके इस लेवल पर ही स्टक हो जाना। वरना काफी लोग आईडी बनाते हैं, रोज फॉरएवर में आईडी बनती है, रोज लोग 2CC करते हैं, बट वही लोग एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद गायब हो जाते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बस नाम के रह जाते हैं, ना तो कुछ अर्न करते हैं, ना ही कुछ कमाते हैं, बस AS बन जाते हैं और वहीं पर स्टक होके इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर आप किसी भी चीज को देखकर मोटिवेशन लेते हो, मोटिवेशन से बार बार काम करते हो, तो वो काम आप एक टाइम तक ही कर पाओगे। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, 2CC कर चुके हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे टीम बनानी है, तो आप डायरेक्ट मुझसे ऊपर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप एक बिजनेस ग्रो कर सकते हो और एक अच्छे लीडर बन सकते हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।